एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको फ्लावर ज्वेलरी के बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्लावर्स लिए हैं, फॉर्म फ्लावर्स। तो फ्लावर ज्वेलरी में सबसे पहले लगते हैं फॉर्म के फ्लावर्स या फिर पेपर फ्लावर, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए। और यहाँ पर मैंने लिए हैं पॉलिन्स। तो फ्लावर ज्वेलरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लावर और पॉलिन्स। इसके बाद इम्पॉर्टेंट होते हैं ये बेस, रिंग बेस, जिसकी मदद से हम इसमें रिंग बनाते हैं। और अगर आपको देखना है कि किस तरह से फ्लावर ज्वेलरी बनाते हैं, तो उसकी जो वीडियो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखी है, तो वहाँ क्लिक कर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पर्ल चेन ली है। पर्ल चेन फ्लावर ज्वेलरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से हम ब्रेसलेट वगैरह बनाते हैं, टीका, ईयरिंग। और यहाँ पर मैंने लिए हिट पिन, आई पिन और ईयरिंग हुक। तो आई पिन और हिट पिन और ईयरिंग हुक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लावर ज्वेलरी में। जिसका मुंह ऐसा घुमा हुआ होता है उसको बोलते हैं आई पिन, और जिस पर ठप्पी लगी होती है उसको बोलते हैं हिट पिन, और जो ऐसा हुक जैसा रहता है उसको बोलते हैं ईयरिंग हुक। ये देखिए, इसको बोलते हैं ईयरिंग हुक। और ये हिट पिन, जिसमें ऐसी ठप्पी जैसी लगी रहती है उसको बोलते हैं हिट पिन। और फ्लावर ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गोटा पट्टी और फॉर्म शीट। गोटा पट्टी बनाते हैं ब्रेसलेट, मतलब गोटा पट्टी यूज़ करते हैं ब्रेसलेट बनाने के लिए, कमरबंद बनाने के लिए। और फॉर्म शीट का यूज़ करते हैं चोकर बनाने के लिए, ब्रेसलेट, ईयरिंग, मतलब जितनी चीज़ें बनती है फॉर्म शीट से ही बनती है। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टूल्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।